हेलो दोस्तों, फैक्ट एंड फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि स्कूल या कॉलेज में दो तरह के बच्चे होते हैं जो टॉप करना चाहते हैं। एक वो होते हैं जो खुद की मेहनत से टॉप करते हैं, तो एक वो भी होते हैं जो कि किसी की मेहनत पे पानी डालना चाहते हैं। यानी कि वो उम्मीद करते हैं कि और लोग जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके मार्क्स कम आए ताकि वो टॉप कर सके। उनका मकसद ये होता है कि और लोग परीक्षा में कम से कम नंबर लाएं या फिर फेल हो जाएं, ताकि जो नंबर उनका अपना आया हो वो सबसे ज़्यादा नंबर दिखे लोगों को। और अगर इस तरह की चीज़ें उनकी उम्मीद के मुताबिक ना चले तो फिर वो दुखी भी हो जाते हैं। और पाकिस्तान का भी हाल कुछ ऐसा ही है। पाकिस्तान कसम खाकर बैठा हुआ है कि वो दूसरों की तरक्की को देखकर रो लेगा, पर खुद कभी तरक्की नहीं करेगा और ना ही तरक्की करने के लिए कोई रास्ते ऐसे ढूंढेगा जिससे कि वो अपनी तरक्की कर सके। आज के दिन पाकिस्तान से भारत को किसी तरह डुबाने की कोशिश में लगा है ताकि वो खुद तरक्की कर सके, लेकिन भारत ने तरक्की की वो स्पीड पकड़ ली है जिसे रोकना पाकिस्तान के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। हालांकि पाकिस्तान के सरकार की हरकत से पाकिस्तान के लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं और वो पाकिस्तान के सरकार को आईना दिखाने का भी काम कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि पाकिस्तान के लोग इस बारे में क्या बात कर रहे हैं। पीएम मोदी ने यूएस विजिट पे गए हैं, पता नहीं कौन कौन सी डेवलपमेंट हो रही है, क्या दुनिया की पावर इंडिया आने वाली है, इन चीजों पर बात हो रही है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि यूएस विजिट के फौरन बाद, मतलब इंडिया वापसी से पहले, वो इजिप्ट मॉस्क का विजिट करने वाले हैं, इस विजिट का क्या मकसद है? मेरे लिए ज्यादा मायने ये रखता है। दुनिया को क्या मैसेज देने जा रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर? देखिए, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं पीएम मोदी, वो उससे पहले भी आपने देखा होगा कि जो इनकी पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ था बिल्डिंग का, उसमें भी उन्होंने जो है वो कुरानी आयात जो थी वो भी पढ़ी जा रही थी और मोदी जी वहाँ मौजूद थे। और उसके अलावा भी कई बार हम देख चुके हैं कि इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है, वो उनको अक्सर अवार्ड्स वगैरह देते रहते हैं। ये तो सिर्फ पाकिस्तान है जिसके साथ कुछ ना कुछ इशू रहता है, वरना बाकी इस्लामिक कंट्री के साथ तो उनके रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। इसी वजह से कश्मीर में भी जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है उसमें काफ़ी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जो उनकी तरफ के कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और अभी जो आप बात कर रहे हैं इजिप्ट मॉस्क की, तो बिल्कुल इजिप्ट जो है वो जाहिर है कि एक इस्लामिक कंट्री है, तो अगर वो वहाँ जाएंगे तो वहाँ की जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस होंगी उसकी उनको दावत दी गई होगी, तो शायद वो इसी वजह से जा रहे हैं। और वैसे भी कई बार हमने देखा है कि इंडिया ने जो है वो अपने आप को सेक्युलर हमेशा वो लोग कहते हैं, और उसका मतलब यही है कि हर रिलीजन की रिस्पेक्ट की जाती है। ठीक है, बिल्कुल, ये चीज एक मैसेज देती है और वाज़े मैसेज देती है। मैं मुझे बताएं, डिनर हुआ जिसमें बड़ी बड़ी बिजनेस टाइकॉन ने पार्टिसिपेशन की, डिनर में आए, जिनमें सुंदर पिचाई थे, इसके अलावा अंबानी थे, इसके अलावा सीईओ थे पेप्सी के जो कि इंडियन ओरिजिन है। क्या कहना चाहेंगी, एक तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर यूएस में, उसके अलावा जो बिजनेस टाइकॉन है, दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन है, उनमें भी मोस्टली इंडियंस इस टाइम यूएस में, क्या यूएस पे कब्जा होने जा रहा है इंडिया का? नहीं, मुझे नहीं लगता कि यूएस पे इंडिया का कब्जा होने जा रहा है, लेकिन ऐसा जरूर है कि इतने सालों में, पिछले कई आप समझे 10 या 20 साल में, अगर वैसे तो खैर हमेशा से ही, लेकिन 10 20 साल से जो है वो इंडिया ने अपने आप की एक पोजीशन बनाई है, और उसमें जाहिर है कि उनकी बिजनेस कम्युनिटी का भी बहुत हिस्सा है। इलेक्शंस भी आ रहे हैं, इंडिया में भी आ रहे हैं और अमेरिका में भी आ रहे हैं, तो यकीनन ये चीज़ भी इसीलिए इम्पोर्टेंट होगी कि जो बिजनेस कम्युनिटी है वो साथ में दिखाई दे मोदी जी के। और क्योंकि अमेरिका को भी बहुत ज़रूरत होती है कि जब वहाँ पे इलेक्शंस हों तो उस वक्त ना सिर्फ फंडिंग की बल्कि जो इंडियंस वहाँ रहते हैं उनके वोट्स की भी बहुत सख्त ज़रूरत होती है, और वो हर हाल में जाहिर है कि पाकिस्तान से ज़्यादा बड़ी कंट्री है, पॉपुलेशन वाइज भी ज़्यादा हैं वो लोग, और फंड्स भी वो ज़्यादा कर सकते हैं, तो शायद यही वजह होगी। और वैसे भी जब इतने बड़े इवेंट होता है, जिस तरह का ये इवेंट था, एक बहुत शानदार इवेंट था, और आई विश कि हमारे टीवी चैनल्स ने उसको प्रॉपर कवरेज दी होती, जो बिल्कुल भी नहीं दी गई, जो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी बेवकूफ़ी की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन फिर भी ये ज़रूर है कि जाहिर उसमें सारे इंपॉर्टेंट शख्सियत जो हैं भारत से वो भी पहुँचे, और वो यकीनन मोदी जी ने उनको इन्वाइट किया होगा,
और तभी गए हैं उनके साथ, लेकिन काफी अच्छा इवेंट रहा और काफी सक्सेसफुल इवेंट मैं इसको कहूंगी, अच्छा या विजिट का समझ लीजिए। जी डेफिनेटली पूरी दुनिया इस चीज को कवर कर रही है, कवरेज पूरी दुनिया में मिल रही है, न्यूज़पेपर्स पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं पीएम मोदी की तारीफ में। यहाँ पे सवाल एक ये उठता है, आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, पाकिस्तान की मीडिया का जिक्र किया, तो ख्वाजा आसफ ने साहब ने रिसेंटली स्टेटमेंट दी, उन्होंने बोला कि यूएस इंडिया के रिलेशन जो बेहतर होने जा रहे हैं, ये ना हो पाकिस्तान को मुश्किल फैसले करने पड़े। मतलब इसमें भी हमें कोई इशू है कि अगर कोई दो कंट्रीज के रिलेशन बेहतर होते हैं तो हम क्या मुश्किल फैसला करेंगे, ये तो ख्वाजा आसिफ ने नहीं बताया क्या करेंगे, क्या उन्होंने आपने जब अमेरिका स्टेटमेंट से। सुनी डेफिनेटली होगी कि उन्होंने बोला है कि अगर रिलेशन बेहतर होते हैं, ये ना हो कि हमें आप मुश्किल फैसले करने पे मजबूर करें। ये कोई धमकी थी या कोई तरला था या क्या चीज थी, मुझे स्टेटमेंट की ऐसा समझ नहीं आई। नहीं डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं, ये स्टेटमेंट मैंने भी उनकी सुनी है, इस स्टेटमेंट को मैंने भी कवर किया था, लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि वो क्या कहना चाह रहे हैं साफ साफ बताएं, क्या वो अमेरिका से पैसे मांगना छोड़ देंगे, क्या वो किसी किस्म की क्या इंडिया को धमकी लगा रहे हैं, कौन सा मुश्किल फैसला करेंगे। लेकिन बात सारी ये कि इस वक्त ख्वाजा आसिफ हो या पाकिस्तान के कोई भी मिनिस्टर हो, उनको थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए और उल्टे सीधे स्टेटमेंट ना दें जिससे और इनकी कमजोरी जो है वो दुनिया के सामने आ जाए। ठीक है मोदी जी के जो यूएस का विजिट है उसको लेकर बातें की जा रही हैं, और जाहिर है कि हम कुछ अच्छा अच्छा तो बात कर नहीं रहे, कोई अच्छा अच्छा तो हम बोल नहीं रहे, हम सिर्फ और सिर्फ बुराइयां ही कर रहे हैं। और हमारे तकरीबन हर पॉलिटिशियन इमरान खान से लेकर इस वक्त की जो करंट गवर्नमेंट है उधर तक बातें जो की जा रही हैं सिर्फ यही कि जी इनसे जो है वो जो इंडिया के माइनॉरिटी है उसके बारे में क्वेश्चन करना चाहिए था और ये वो। बल्कि ख्वाजा आसिफ साहब जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं आजकल, उन्होंने भी काफी सख्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए। और जी तो ना सिर्फ ये कि ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से काफ़ी सख्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए गए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के यूएस विजिट को लेकर, बल्कि इमरान खान हो चाहे कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हो पाकिस्तान की, सबके सब जो हैं वो बड़े नाराज लग रहे हैं। और उसकी एक खास वजह ये भी बताई गई है कि जी क्योंकि मोदी जी ने जो जॉइंट स्टेटमेंट दिया था यूएस के प्रेसिडेंट के साथ, जिसमें उन्होंने ये बात की कि जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है उसको कंट्रोल करना चाहिए, और उसमें पाकिस्तान का नाम लिया दोनों लीडर्स ने, चाहे वो अमेरिका के हों चाहे वो इंडिया के हों, और इस चीज को लेकर पाकिस्तान काफी अपसेट है, पाकिस्तान को ये बात अच्छी नहीं लगी। वैसे मोदी जी ने क्या समझा था कि वो इस किस्म की बात करेंगे तो सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा, जाहिर है सरदार नाराज होगा और सरदार नाराज हो ही गया है। और लेकिन ये और बात है कि हमारे नाराज होने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि अगर हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है कि दोबारा इस किस्म की बात ना की जाए, दोबारा इस तरह से पाकिस्तान को पॉइंट आउट ना किया जाए, तो फिर जरूरत इस बात की है कि जो टेररिस्ट ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में रह रहे हैं, जिनको पनाह दी गई है, जिनको फंड किया जाता है, जिनको सपोर्ट किया जाता है, उनको सपोर्ट करना बंद किया जाए और उनको फंड करना भी बंद किया जाए, उनसे डरना भी बंद किया जाए, और बल्कि उनको ही बंद किया जाए, तभी ये कहानी जो है ना वो कुछ ठीक होगी और जो है वो हमारे लिए थोड़ा यानी पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए कुछ बेहतरी आएगी। बात हम कर रहे हैं जी मोदी जी की, और हम ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान तो बहुत टाइम से चाह रहा है और कोशिश भी की जा रही है, लेकिन कामयाबी नहीं हो रही कि पाकिस्तान में कोई दूसरी कंट्रीज आए और इन्वेस्टमेंट करें। हाँ अनाउंसमेंट जरूर की जाती है बार बार, मुसद्दिक मलिक साहब जो हमारे पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि जी फ्रेंडली कंट्रीज आ रही हैं, वो फ्रेंडली कंट्रीज की तरफ से तो कोई नहीं आता, लेकिन बहरहाल बात की जाती है। तो जाहिर है अगर आप ऐसा एनवायरनमेंट नहीं बनाएंगे आपकी कंट्री में कि कोई आकर इन्वेस्ट करना चाहे और वो ये सोचे कि उसको इससे कोई फायदा होगा, तो ऑब्वियसली कौन आएगा। लेकिन बहरहाल हम बात कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर मोदी की और अमेरिका विजिट की, तो जी मोदी जी को जरूर अचीवमेंट मिली है, और वो ये कि जी वैसे तो बहुत सारे लोग सभी जानते हैं, चाहे यूट्यूब हो या दूसरे जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो भारत में शौक शौक से चले जाते हैं, अब तो एप्पल आईफोन भी जो है वो जी बनना शुरू हो गया है इंडिया में। लेकिन ये पिक्चर जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये जी सीईओ हैं अमेजोन के, और जी अमेजोन जो है
वो तकरीबन 11 बिलियन डॉलर ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है इंडिया में, और अब ये बताया जा रहा है, इन्हीं बहुत से लोगों ने बताया है जो एक्सपर्ट्स हैं या जो इंडिया में रहते हैं या जो इंडिया की जो बातें हैं या चीज़ें जो चल रही हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं, उनका ये कहना है कि जी ये भी अनाउंस किया गया है कि अब 15 बिलियन डॉलर मज़ीद जो है अमेज़ॉन इंडिया में इन्वेस्ट करेगा। अब पाकिस्तान में तो खैर अमेज़ॉन है ही नहीं, हमने एक बार सुना था कि जी अमेज़ॉन जो है वो यहाँ आने वाला है और ये है वो है, बल्कि हो जाता तो बड़ा अच्छा था क्योंकि बड़ी आसानी हो जाती लोगों को चीज़ें लेने में, सामान लेने में, जैसे इंडिया में लोगों के पास ये सहूलत है, पाकिस्तान में भी हो जाती, लेकिन कुछ हो नहीं पाया और इस वजह से अभी तक पाकिस्तान में आपको इस किस्म की कोई कंपनी नज़र नहीं आती। लेकिन बहरहाल अमेज़ॉन जो है वो इंडिया में एक बार फिर ये बात की गई है कि जी 11 बिलियन जो है वो पहले इन्वेस्ट कर चुके हैं और अब वो 15 बिलियन मजीद इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, और ये काफ़ी अच्छी और बड़ी अचीवमेंट है प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए कि उनके इस विजिट में ये चीज़ें भी जो हैं वो सामने आई हैं। इसके अलावा जी 10 बिलियन यूएस डॉलर्स जो है वो गूगल इन्वेस्ट करेगा गुजरात में, जो कि मोदी जी का इलाका है और मोदी जी जहाँ से हैं और चीफ मिनिस्टर थे वो गुजरात के, और उसके बाद अब प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये भी बहुत बार लोगों ने भी कहा है, मैंने भी कहा है कि बिजनेस की तरफ जो है वो ज़्यादा देखते हैं, और उसकी वजह यही है कि जो पाकिस्तान में भी लोग रहते हैं जिनका ताल्लुक गुजरात से है या गुजराती फैमिलीज हैं, वो बिजनेस माइंडेड होते हैं और वो बड़ा अच्छा बिजनेस को समझते भी हैं और आगे लेकर जाते भी हैं, और यही चीज़ हमने मोदी जी में भी देखी है, और उनके साथ ही अमित शाह साहब के लिए भी यही कहूंगी कि ये दोनों की टीम जो है वो बिजनेस माइंडेड है, और यही वजह है कि दोनों ने मिलकर जो है इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको बहुत बेहतर बना दिया है। और ये देखिए ना, दोनों बैठ के क्या सोच रहे हैं, कह रहे हैं, पता नहीं क्या बोले जा रही है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं। साथ ही साथ मोदी जी ने यह भी कहा है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ये भी कहना है कि जब भारत मजबूत होता है तो वो बाकी कंट्रीज को भी मजबूत करता है, यानी जो छोटी कंट्रीज हैं साथ में इधर उधर आगे पीछे ऊपर नीचे यहाँ वहाँ। तो जी मोदी जी ने ये भाषण में भी अपने जो उन्होंने वहाँ पे एड्रेस किया वहाँ पे उन्होंने ये बात भी की, लेकिन मोदी जी हम भी इसी गोला पे रहते हैं, जिन कंट्रीज को आप कह रहे हैं क्या मजबूत भारत होने से बाकी छोटी कंट्रीज भी मजबूत हो जाती हैं, तो जी हमारे ऊपर तो कोई ऐसा असर नहीं हुआ, लेकिन हम भी यही बता रहे हैं कि हम इसी गोला पे रहते हैं, तो थोड़ी नजर हमारे पे भी डाल लीजिए। बार बार की नाराजगी कुछ ठीक नहीं होती, और जहां तक टेररिज्म की बात है तो जी बिल्कुल कहा यही जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही है, अब ये कोशिश कहाँ तक लेकर कामयाब होते हैं ये और बात है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ फ्रांस के विजिट पे गए और लेडी ऑफिसर जो कि रिसीव करने आई थी उन्हें, उन्होंने छतरी उनके आगे की बारिश की वजह से, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने वो छतरी पकड़ी और आगे चल दिए, पीछे वो लेडी ऑफिसर बारिश में ही भीगती नजर आई। काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा फिर इस खबर को लेकर, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, आपने छतरी वाली की है तो वहाँ पे थोड़ा सा मलूज़ खातर रखनी चाहिए चीज़ें, मैनर क्योंकि हाँ थोड़ा सा इस चीज़ को मलूज़ खातर रखना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, एक स्टेट का नुमाइंदा है ना, देखें जी वो आपका नुमाइंदा है, वो मेरा नुमाइंदा है, वो बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे, हमारा वहाँ पे मंदूब है जो वहाँ पे, जिसे आप फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं, ठीक है, वो बड़ा पढ़ा लिखा आदमी होता है, उसका अपना एक डेकोरम होता है ना हर चीज़ का, ठीक है, तो उनको थोड़ा सा मलूज़ खातर रखना चाहिए। और मुझे लगा कि मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो भूल जाते हैं थोड़ी सी इस तरह की बातें, ठीक है, तो बंदा थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, ठीक, इससे स्टेट, वो जो आपने बात की ना स्टेट की, वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है, ठीक है। एक देखें, अभी मैं कोई इमरान खान का फॉलोअर नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन आप देखें कि इमरान खान जहाँ पे भी गया है उसको पहली लाइन में खड़ा किया गया है, ठीक है, ठीक है, स्ट्रेटजिकली हम आज भी वहीं पे हैं, ठीक है, हमारी ज़रूरत वहीं है, लोगों को, उन मुल्कों को हमारी ज़रूरत वैसे ही है, ठीक है, लेकिन जो आपका बोल चाल का अंदाज़ है वो अगले बंदे को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, आपको लगता है कि जो आज भी फ्रांस को या इस तरह के जो स्टेट्स हैं, इवन यूएस की बात करें या इस तरह रशिया की बात करें, इन्हें आज भी पाकिस्तान की वैसे ही ज़रूरत है जैसे कभी रही है, या फिर किस टाइम पे ज़रूरत रही है, मुझे पहले ये तो बताएं यार। तो अफगानिस्तान में जब बात थी तब चलें ज़रूरत थी, वो मतलब था, लेकिन उसके अलावा कब ज़रूरत रही है यार? देखें, ईरान जो है ना हमारा हमसाया मुल्क है जी,
मुसलमान मुल्क के हम लोग कहते हैं, ईरान पे मुकम्मल पाबंदियां हैं, ठीक है आपको पता है इस बात का, और उसके साथ दूसरा मुल्क है अफगानिस्तान जी, ठीक है, तीसरा मुल्क हमारे साथ है इंडिया, ठीक है, चौथा मुल्क है चाइना, ठीक है। आप चाइना और इंडिया को देखें, दोनों इमर्जिंग पावर्स हैं, बिल्कुल है, ठीक है, और वो चाइना अमेरिका को टक्कर दे रही है आज इकोनॉमिकली, वो मेरे ख्याल में बराबर होने जा रही हैं, ऐसे ही है, और इंडिया चाइना को टक्कर दे रहा है, और चाइना को टक्कर दे रहे हैं, विजिट पे उनके प्राइम मिनिस्टर के यार बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया है, ठीक है। अगर आप देखें, यही बात है, अगर आप चाइनीज ब्लॉक में जा रहे हैं तो और आपका इम्पेक्ट है, अगर आप चाइनीज ब्लॉक में जा रहे हैं बीवीएस सी बात है कि जो यूएस है वो इंडिया विजिट करेगा, ठीक है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने अपने एक बयान में कह दिया वेस्ट को कि आपके पास जंग वॉर के लिए पैसा है, पाकिस्तान के लिए पैसा नहीं है, पाकिस्तान की इस कंडीशन के अंदर उनकी हेल्प करने के लिए पैसा नहीं है, पाकिस्तान को लोन देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, पाकिस्तान की मदद नहीं आप कर सकते। तो अभिषेक सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की ये स्टेटमेंट, और एक कुछ अरसा पहले एक स्टेटमेंट उन्होंने दी थी, एक बात बोली थी, beggars can't be choosers, तो क्या ये स्टेटमेंट्स आज मिल रही हैं आपस में या नहीं? देखिए, क्या नाम है अनम जी, दिक्कत ये है कि आपकी कंट्री में कोई सोचना पढ़ना लिखना कुछ चाहता ही नहीं है, आपको नेशन स्टेट क्यों दिया गया, आप भारत से क्यों अलग हुए कि आप हमें दे दो, हम अपने हिसाब से चलेंगे और अपने हिसाब से हम अपनी रिसोर्सेज का उपयोग करके खुशी खुशी रहेंगे। अब आपने अपनी बेहतरीन समझ का इस्तेमाल किया, बेहतरीन फाइनेस्ट ब्रेन आप क्या जो लगे, उन्होंने ये समाज बनाया है, उस समाज में आपके ही लीडर का ये था कि हम घास खाएंगे पर हम एटम बम बनाएंगे, उनका एकदम क्लियर था कि हमें एक जंगजू कौम बननी है, हमें कश्मीर बाई फोर्स ले लेना है, हमें हिंदुस्तान के टुकड़े करने हैं, ये आपकी प्रायोरिटीज आपने 1947 में सेट कर दी, क्योंकि बनते ही आप घुस गए कश्मीर में, यू हैड योर प्रायोरिटीज एब्सोल्युटली सेट। उसके बाद आपने वेस्ट से पैसे लिए, आप दुनिया को ये भी बताते हो कि हमने सिंगापुर की एयरलाइन हमने बनवाई, दुबई की एयरलाइन हमने बनवाई, हमने जर्मनी को पैसे दिया, हमने इसको पैसे, कहाँ गए वो पैसे? अगर आपके पास इतने पैसे थे तो पैसे कहाँ गए? अब मेरे घर में मेरी माता जी ने मुझे अगर कुछ इनहेरिटेंस दी है और मैं उस इनहेरिटेंस को गलत पर्पजेस के लिए उड़ा दूं, क्योंकि मैं कोई बड़ा सा एक ऐसी चीज खरीदना चाहता हूं जो मैं मेंटेन नहीं कर सकता, मैं 32-33 करोड़ की मर्सिडीज खरीद लूं जिसमें पेट्रोल डलवाने के मेरे पास पैसे नहीं है, और फिर मैं उस मर्सिडीज को दौड़ाता फिरूं चलाता फिरूं, जब गाड़ी खत्म हो जाए मेरा सब कुछ बिक जाए तो मैं अपने बड़े भाई से कहूं उधार दे दो यार, क्यों? क्योंकि मैंने मर्सिडीज ली है, मैंने उसमें पेट्रोल नहीं। अरे भैया, आप अपने पेट काटेंगे, आप दुनिया का पेट काटेंगे, अपनी मिलिट्री बंद कर दें, आप अपने करप्शन को बंद करें कि आप हमसे करो, हमारा पेट काट के हमें पैदा करो। ये लोग, ये जो पाकिस्तान के लोग हैं, ये मेरे भाई बहन हैं, मैं इनको अपना भाई बहन मानता हूँ, ये क्यों ये कष्ट झेल रहे हैं? पॉलिसीज फ्रेम करने का अधिकार आप था जब अमेरिका कह रहा था डू मोर, तो आप अमेरिका को गाली देते थे कि हमारे पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर करते हैं, और जब आपने अपने पर्सनल मैटर्स को अपनी पॉलिसी के हिसाब से जब आपने गवर्न किया है, आपको कंप्लीट फ्रीडम थी, आपने चूज किया कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ के साथ। 75 साल बाद ये हमने बचपन में, 75 साल बाद आप यहाँ खड़े हैं। हमने बचपन में कहानी पढ़ी थी कि एक टिड्डा था, एक ग्रास होपर था और एक चींटी थी, तो ग्रास होपर दिन भर मस्तियां करता रहता था और चींटी बेचारी अपना घर बनाती थी, तो वो तो बड़ा हंसता था, यार ये क्या बेवकूफ औरत है, ये खाना ये कर, देखो चींटी ये घर वर बना रही है, हमारी तरह मस्ती में रहो, ये करो वो करो। फिर जब बारिश आई तो उसके पास ना घर था ना कुछ था, वो भीग रहा था, परेशान हो रहा था। पॉइंट यही है कि भाई शहबाज साहब, कृपया ये बताएं कि ये लोग भूखे क्यों मर रहे हैं, इनसे इन आपके नेचुरल रिसोर्सेज का पैसा कहाँ जा रहा है? आप तो भूखे नहीं मर रहे, तो आवाम भूखे क्यों मर रही है? आपने तो सारी जिंदगी दुनिया को ये बताया कि हम पाकिस्तान भारत से ज्यादा अमीर है, तो इंडिया तो थर्ड इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बनने वाली है, 5th करेंटली है, 4 साल में 3rd लार्जेस्ट हो जाएगी। अगर आप इंडिया से अमीर हैं तो भी ये लॉजिक हमारी समझ में नहीं आ रही कि आपको पैसे क्यों चाहिए दूसरों से, और फिर दूसरा आपको उधार तो दे, आप कह रहे हैं उधार मत दो। उनका आर्गुमेंट ये है कि चूंकि आप यूक्रेन को जो पैसे दे रहे हो लड़ने के लिए, उधार तो नहीं है, वो तो मांगोगे नहीं आप वापस यूक्रेन से, तो जब आप यूक्रेन से वापस नहीं मांग रहे तो हमसे क्यों मांग रहे हो? बहुत जबरदस्त एनालॉजी है उनकी, उनके जो एडवाइजर्स हैं उनको मेरा हेड्स ऑफ है। और इसके पहले मैंने आपके यहाँ के एक एडवाइजर को सुना था, वो कह रहे थे कि हर कॉन्ट्रैक्ट में एक फोर्स मजियोर क्लॉज होता है, तो पाकिस्तान को फोर्स मजियोर क्लॉज उठाना चाहिए और सारे लोन देने से मना कर देना चाहिए।
तो ठीक है मतलब आपके यहाँ के जो इंटेलेक्चुअल्स है उनको मेरा सच्चा नमन है कि वो ऐसे ही आइडियाज देते रहे आपकी गवर्नमेंट को, और फिर आपकी गवर्नमेंट भी ऐसे आइडियाज करेगी। दूसरों में कीड़ा ना निकालें, पॉलिसीज को रिविजिट करें, थ्योरीज को रिविजिट करें, एक प्रोग्रेसिव समाज बनाए जो समाज दुनिया को एक अलग चश्मे से ना देखता हो, दुनिया के साथ चले, दुनिया के साथ वो एक्सेप्ट करे। आप दुनिया को, वेस्ट में कीड़ा आप निकालते हो, इंडिया में कीड़ा आप निकालते हो, सब में कमियां है। वेस्ट फहासी फैलाता है, इंडिया वाले तो खैर गई है, गए गुजरे, सबसे बढ़िया आप है, फिर आप क्या ये हालत है। अब इस पे क्या बोले, अब आपके इस पे मजाक ही सुनता मैं सुन रहा हूँ कि जो इंटरनेशनल स्कॉलर्स को सुन रहा होगा उसका क्या कमेंट होगा, कहले कि भैया तुम यूक्रेन को लड़ाई के लिए पैसे दे रहे हो और हमें उधार भी नहीं दे रहे यार, और हमसे पैसे लेके वापस मांग रहे हो, हमारे यहाँ के लोग भूखे मांग रहे हैं। अगर हम ये पूछ लें, यूक्रेन के ऊपर तो लड़ाई रशिया ने थोप दी, उनकी कोई गलती नहीं थी, आपके लोग भूखे क्यों मरे? जब आपके यहाँ पे लैंड रिफॉर्म करने आया तो आपने शरिया ले आया कि लैंड रिफॉर्म तो वैलिड है इस्लाम में, जमीन लोगों के पास रहे, आप खुद करोड़ों अरबों के मालिक रहो और भीख मांगने आप हमारे पास आओगे, हमें पैसा दो, हम अपने अंदर रिफॉर्म नहीं करेंगे, तुम अपने अंदर रिफॉर्म करो, हम अपने हिसाब से चलेंगे, उस हिसाब से तुम हमको पैसा दो। भाई हैट्स ऑफ, और हैट्स ऑफ तो छोड़िए, कभी कभी ये लॉजिक सुन के लगता है शर्ट्स ऑफ, आप समझ रही हैं, ये अजीब और गरीब लॉजिक है जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। चलिए अब मैं मुजफ्फर भाई से सुनना चाहूंगा।